Ladies and gentlemen, module one sixty six. So we are very near to a comprehensive whole of the entrepreneurial development and their theories. So now, so business network and advocacy groups. What are the advocacy groups? Just I have you start business, <laughs> start So political, legal, socio, technological, any pest analysis, अच्छा ये नॉर्मली सिर्फ पी e. पर रहता है पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल अब आपने देखा होगा कि आपकी ऑब्सल्यूशन इतनी तेज़ी से हो रही है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है और हर नई चीज़ के पास दूसरी दफा आपके पास वो मार्केट में वही अवेलेबिलिटी नहीं होगी आपने फोन्स में देख लिया मोबाइल फ़ोन्स में देख लिया वो तेज़ी के साथ अपने सिस्टम्स को तब्दील कर रहे हैं नई तब्दीली भी मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि अच्छा यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगी कि फोर जी से कन्वर्जन आपने लेनी है फाइव जी पर दुनिया सिक्स जी पर भी है सेवन जी पर भी है अच्छा फाइव जी जो है फोर जी वो सिस्टम पर चलता है एक कंटिन्यूस वेव्स पर चलता है ऑप्टिक फाइबर्स पर चलता है लेकिन जो फाइव जी है वो सेटेलाइट बेस होगा और उसका जो है वो यूनिट वेव्स पर होता है अच्छा पर यूनिट वेव्स जो हैं वो और हैं पर मीटर वेव्स का उनका आइडिया है जो कि अलग से होता है पाकिस्तान में नहीं है अब उसकी स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होनी है उस ऑक्शन के ऊपर जो है वो सब की सब रेजिस्टेंस आ रही है जब तक वो रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगी फाइव नहीं होगी टेक्नोलॉजी लेट होगी तो हमारे बहुत से बिजनेस क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट अचीव कर चुका हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट्स पर हम आने के लिए आईटी बेस के ऊपर हमें 5G चाहिए और उसकी टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर तब्दील हो जाएगी लेकिन कुछ लोग जो प्रॉब्लम में हैं वो ये कि जिन लोगों ने 4G की प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो क्या करेंगे अब वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे वो कोशिश करेंगे कि 5G लेट हो जाए ताकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो उनका पैसा लगा हुआ पूरा हो जाए और 5G को लेट करेंगे फिर सिक्स को लेट करेंगे सेवन को लेट करेंगे वक्त के साथ चलने के बजाय वक्त के अंदर अपना पैसा पूरा करना वाला बिजनेसमैन होता है वक्त के साथ चलते वक्त वक्त के आगे भागने वाला इनोवेटर होता है एंटरप्रेन्योर होता है आगे चलिए जी। स्मॉल बिजनेस ऑफन ज्वाइन और कैम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन टू एडवोकेट फॉर देयर कॉज और टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे मैंने आपको बताया 4g इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अचीवमेंट में लगी हुई है आप द लार्ज स्केल बिजनेस बेनिफिट सच एज अपॉर्चुनिटी टू बाय चीपर हेल्थ इंश्योरेंस इन बल्क अच्छा जी वो बल्क में बाइंग करेगी these organizations include local or regional groups such as chambers of commerce, independent business alliances, as well as a national and international industry-specific organization. now, example of advocacy group in pakistan, including various chambers like an international uh, practice, but also following the bodies like all pakistan business forums, apbf, acha per san business network, acha, per industry ke कि जो मुख्तलिफ चेंस बन जाती है एक तो चेंबर हो गई उसने सपोर्ट कर दिया इन्फ्लुएंस कर दिया लोग समझते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं हर इलाके और मुल्कों की बॉडीज होती हैं वो उनकी तरफ से यूनिट बना देते हैं फिर पोलिटिकल इंफ्लुएंस करने के लिए रेगुलरिटीज तय करने के लिए रेट एंड टेरफ्स बनवाने के लिए फिर गवर्नमेंट को इससे इंफ्लुएंस किया जाता है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि चमड़े के मामले के अंदर एक ड्यूटी थी उस ड्यूटी का एक सर्टन नाम था उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और ड्यूटी माइनस करवा ली इसी तरीके से टेक्सटाइल सब्सिडी मांगता कहते मांगते दे दो पांच पर पर यूनिट यूनिट बिजली बिजली दे दो। बिजली दे दो दो नहीं तो आठ सौ बिलियन डॉलर की चमड़े की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सो तो ये जो मुख्तलिफ जगह के अंदर ऑटोमोबाइल की अलग बॉडी है टेक्सटाइल की अलग है चमड़े की सनत की अलग है कपड़े की सनत की अलग है तो मुख्तफ बॉडीज होती हैं इसको हम एडवोकेसी ग्रुप्स और यूनिट्स कहते हैं सम टाइम ये बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं मैं कुछ आजकल के जो नाम नहीं ले रहा लेकिन इनके अंदर भी बिजनेसिस होते हैं फिर खाने खिलाए जाते हैं और मैंने आपको बताया कि ये जमहूरियत इतनी बढ़ गई है कि बिजनेसिस में भी आ गई है वकला अपने अलेक्शंस करवाते हैं हर आदमी कोई प्रेजिडेंट होना चाहता है घर के अंदर अगर सात मेम्बर हैं तो अलेक्शन्स का शौक इतना ज़्यादा हो चुका है एक आदमी प्रेजिडेंट होना चाहता है एक वाइस प्रेजिडेंट होना चाहता है एक सेक्रेटरी जनरल होना चाहता है एक सेक्रेटरी फाइनेंस होना चाहता है एक सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहता है एक सेक्रेटरी और सारे के सारे जो हैं वो मेंबर मजबूत होने चाहते हैं इसलिए ताकि उनको उनके काम ने करना पड़े हर आदमी साफ बनना चाहता है बट यही काम जो है वो फैलते फैलते बिजनेस यूनिट में होना शुरू हो गया यानी स्ट्रक्चरल कामों से निकल के आप इन्फ्लुएंशियल कामों में लग गए अब होता गया जी बिजनेस टुगेदर रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑन द इंटरनेशनल एग्जीबीशन देखें इसकी पॉजिटिव साइड जो है मुख्तलिफ जो बॉडीज हैं वो अपने मसाइल लेकर जाती हैं फेडरल यूनिट से अगर हट करवाना है तो फेडरल के पास चली जाएंगी प्रोवेंशनल से करवाना है तो प्रोवेंशनल के पास चली जाएंगी पॉजिटिव काम सिर्फ ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए हमें एक्सपोर्ट्स करनी है आपको किस एरिया में गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए और फिर उनसे आप चीज़ें लेते हैं लेकिन आप इन्फ्लुंस करें कि बिजली का यूनिट इतना काम कर दें और लोगों के बिजली के यूनिट जो घरों के अंदर बिजली आ रही है उनको भी हमें दे दें कोल भी हमें दे दें प्रॉफिट भी हमें दे दें लेकिन ये बात कोई नहीं करेगा कि जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई जाए उसके बच्चों का स्कूल भी पढ़ाया जाए और जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट ट्वेंटी तक ले जाए इसकी रेगुलरिटी अथॉरिटी अगर बनेगी तो बिजनेस बिजनेस नहीं करेगा भाग जाएगा और फिर वो ऑफ शोर बनाएगा सो मूविंग ऑन और ये मैं बात कई दफा कर चुका हूँ पाकिस्तान में लोग टैक्स देने से गुरेज करते हैं चार लाख साढ़े चार लाख में से पचास हजार बिजनेस रजिस्टर्ड है चार लाख रजिस्टर्ड नहीं है सो टैक्स कलेक्शन नहीं होगी गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्री एडवर्टाइजिंग एंड अदर मेंबर्स नेटवर्किंग विद द बोथ लोकल सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स दीज आर द दूरिस्ट्रिक्शन दीज आर द दर्कबल सोल्यूशन टू द एडवोकेट एंड द एडवाटेजेस ऑफ एडवोकेसी ग्रुप्स सो इस तरीके से ये अपने आप को इन्फ्लुन्शल बनाते हैं बाय द गवमेंटल मीन्स एंड ब्रिजिंग बिटवीन द इंडस्ट्री एंड गवेंट थैंक यू वेरी मच